अब मैं करहल पहुंच चुकी हूं और ये सीट समाजवादी पार्टी का अभेद किला है। किला क्यों? क्योंकि 1993 से 2022 तक यहां 7 विधानसभा चुनाव हुए, 6 पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती नजर आई। एक बार बीजेपी जरूर जीती है और जो फॉर्मूला उस वक्त यादव वर्सेस यादव का खड़ा किया था, इस बार भी वही फॉर्मूला लगाया है बीजेपी ने। लेकिन ये फॉर्मूला कितना काम करेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जनता के मन में क्या है, उनका मूड क्या है, चलिए समझते हैं। यादवलैंड की करहल विधानसभा सीट सूबे की सबसे वीआईपी सीटों में से एक है। खास बात यह है कि यहाँ लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश प्रताप यादव बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब करहल की जनता कंफ्यूज हो रही है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि दावों और वादों का दौर दोनों तरफ से जारी है। देखिए, यूं तो राजनीति में फ्री की रेवड़ियां खूब बट रही हैं, इसको लेकर खूब चर्चा भी है, लेकिन इस जलेबी में फ्री की मक्खी है। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के नाती हैं। यहाँ अखिलेश यादव के करहल सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव हो रहा है, इसलिए कुछ लोग बोले हमेशा की तरह समाजवादी पार्टी की साइकिल इस बार भी झूम कर चलेगी। नेता कौन सा बढ़िया? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया, ओहो जमघट जमी हुई है भैया, ये क्या है? ये आलू है। किस पर भारी? मुलायम। मुलायम परिवार भारी है। परिवार भारी, मुलायम सिंह परिवार। ये इधर आओ, इधर इधर आओ। ये क्या खा रहे हो? सिंघाड़ा। ये तो गलत बात है, टिक्की की दुकान में तुम सिंघाड़ा खा रहे हो। अभी तो खाना खा कर आए दोपहर में। सिंघाड़ा खाए खा रहे हो? सिंघाड़े का टाइम है, इतने टाइम। अच्छा चलो बताओ फिर किसकी बारी? अखिलेश भैया की बारी। अखिलेश भैया की है, पक्की बात? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन से अखिलेश जीत जाइए? चाहिए समोसे चल रहे बढ़िया? वोट करते हो? नहीं। कभी नहीं की हो? क्या उम्र है? 17 साल। 17 साल, अभी तो वोट करना है, आगे किसको करोगे? कौन नेता सही लगता है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सही लगता है। पापा, चुनाव में माहौल किसका चल रहा है? हाँ तो भाई अखिलेश का चल रहा है, बसपा का अच्छा माहौल है। बसपा का अच्छा माहौल है? तुम? बीजेपी का। बीजेपी का माहौल अच्छा माहौल है। कैसा चल रहा है व्यापार? सही चल रहा। कैसा चल रहा चुनाव? चुनाव सही चल रहा है। किसके तरफ हवा? हमारी तो साइकिल है भैया। साइकिल बढ़िया रफ्तार से, बहुत अच्छी तरीका से। बाबा गरम गरम मूंगफली चल रही? खूब बढ़िया। ओके ओके, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, चुनाव चुनाव में आनंद आ रहा है। दिलचस्प हो रहा है। दिलचस्प आई सब एकदम ओके। क्या है दिलचस्प? दिलचस्प, हम तो साइकिल के आदमी है जनाब। लेकिन मुलायम अखिलेश के गढ़ में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें उम्मीद है कि परिवर्तन होगा और करहल में भी कमल खिलेगा। किसकी लहर लग? कमल खिल गया है। खिल गया है कमल? कमल पक्की बात? अंजेश भैया विधायक जी। कमल यादव, यादव जो कार्ड है चलेगा? नहीं नहीं, यादव यादव जितने भी लोग हैं, पहली बार यादवों को 2002 में टिकट मिली थी, तब सुवर्ण सिंह यादव जीते थे कमल से, अब की बार अंजेश यादव कमल से। करहल में इस बार बीएसपी की एंट्री से समीकरण कुछ अलग हो सकते हैं, देखना होगा, क्योंकि बीएसपी ने डॉक्टर अवनेश शाक्य को टिकट दिया है। अगर करीब 1.25 लाख यादवों का वोट बीजेपी और एसपी में बटा तो इसका कुछ फायदा बीएसपी को हो सकता है, क्योंकि करहल में 15% शाक्य के साथ अगर 14% दलित मतदाताओं ने बीएसपी को एक मुश्त वोट दिया तो ये लड़ाई त्रिकोणीय भी हो सकती है। यूं तो उपचुनाव कभी इतने दमखम से लड़े नहीं गए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए ये साख की लड़ाई नजर आती है। लोकसभा में परफॉर्मेंस के बाद समाजवादी पार्टी के सामने चैलेंज ये है कि उसी लय और रिदम को आगे बनाए रखें, योगी आदित्यनाथ के सामने ज्यादा से ज्यादा सीटें इकट्ठा करने की कोशिश होगी। आंकड़ों को अगर देखें तो 9 सीटों पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 बीजेपी के पास, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी। वो अलग बात है कि निषाद पार्टी को भी 1 सीट नहीं मिली, और अगर दूसरे गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को भी 1 भी सीट नहीं मिली है।
करहल से अखिलेश के बाद तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई दिख रहा है। क्या चल रहा है? खाना वाना बन गया? सब बढ़िया? सब बढ़िया है। नेता आए हैं? आए हैं। क्या कह रहे नेता? क्या कह रहे? वोट दो। और क्या कह रहे? वोट दो तो वोट दियो। पक्का जाओगी ना वोट देने? और क्या? कौन सा नेता बढ़िया लग रहे हैं? अखिलेश। कौन सी बढ़िया पार्टी है? पार्टी कौन सी बढ़िया है? हम तो जय साइकिल मैं जी गाय रहे भाई समझ रहे भाई भाई में बटन दबाई और सोई। कौन सी पार्टी बढ़िया करती है? समाजवादी कतर को करता है। मोदी तो ऐसे ही है, सिलेंडर 1200 रुपया कर दो, का कर दो मोदी, सब गरीब लोगों की सहायता कर रहे कछो, जितो समाजवादी कर रहे तो ना कर रहे मोदी वोदी कोई। बीजेपी ने अखिलेश के कुनबे में सेंध लगाकर उनके परिवार से ही प्रत्याशी को उतार कर समाजवादी पार्टी को असहज करने की कोशिश की, इसलिए तेज प्रताप यादव ने बीजेपी कैंडिडेट पर नाराज फूफा वाला तंज कसा। फूफा जो है वो शादी में ही नाराज होते हैं, अब ये तो कुछ सालों नाराज चल रहे हैं, हम लोगों ने तो मनाने का भी प्रयास किया लेकिन नहीं माने। चलिए अच्छा है चुनाव। तवज्जो ज्यादा देनी पड़ती है फूफा को, वो ना दे पाए लग रहा है। तवज्जो तो बहुत दी है और अब खैर ये सब बातें चुनाव के दौरान ठीक नहीं, बहुत तवज्जो दी, बहुत प्रयास किया, सम्मान अभी तक सम्मान किया। राजनीतिक लड़ाई है और ये सिर्फ एक विधानसभा का मामला नहीं बल्कि जिस विजन के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ती रही और जो अन्याय अत्याचार सरकार के लगातार हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसके खिलाफ ये लड़ाई है और ये चुनाव कहीं ना कहीं 2027 का संदेश देने का भी काम करेगा। कोई पेच नहीं देखते हैं आप, क्योंकि इसको ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने गुगली चल दी। गुगली तो अब देखिए 23 तारीख को जब वोट खोलेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि गुगली किसकी थी और किस पर पड़ी है। यादव फाइट हो गई है, एक बार ऐसी फाइट में बीजेपी आगे निकल गई थी, इसमें कोई फैक्टर लगता है? कोई फैक्टर नहीं, यहाँ भाजपा के खिलाफ लोगों को गुस्सा है, भाजपा के खिलाफ लोग वोट देना चाहते हैं और अच्छा रहा प्रत्याशी आगे। बाकी सभी जातियों का आप जब जाएंगे गाँव में लोगों से बात करेंगे तो सभी लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी के। बसपा के उतरने से क्या फर्क पड़ेगा? राजनीतिक सब पार्टियां सभी और भी एक दो पार्टी चुनाव लड़ रही हैं तो कोई फर्क, समाजवादी का जो वोटर है वो इंटैक्ट है और पूरा वोट जो है समाजवादी पार्टी को करेगा। माहौल तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का ही है। भाजपा का है? बिल्कुल भाजपा का। भाजपा का हाँ दिख रहा है पूरा है? पूरा सेंध लग जाएगी क्या? भाजपा का माहौल है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बीजेपी की वोट पड़ेंगे और हमारे अनुजेश भैया जीतेंगे। लेकिन बीजेपी कैंडिडेट अनुजेश प्रताप यादव को भरोसा है कि जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है, इसलिए जनता बीजेपी का राजतिलक करने जा रही है। आप कितने आश्वस्त जीत को? पूरा है। अच्छा ये अभी क्योंकि तेज प्रताप की उनकी रैली में भी हम लोग गए, वो कह रहे हैं फूफा नाराज है, मनाने की बड़ी कोशिश हुई और शादियों में फूफा नाराज हो जाते हैं, चुनावों में भी नाराज हो गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो 2017 से भाजपा में हूँ।